हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। कॉपर में करंट फ्लो करने पर वो मैग्नेट यानी चुंबक की तरह क्यों व्यवहार करता है और क्या है उसके व्यवहार और अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बीच का रिश्ता, बस इसी गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगे आज। लोहा चुंबक पर चिपकता है, लेकिन वही लोहा किसी और धातु जैसे कि कॉपर पर बिल्कुल नहीं चिपकता। क्यों भाई ये भेदभाव क्यों? आखिर ये इतने नखरे क्यों दिखा रहा है? लेकिन अगर किसी धातु में करंट चला दें तो एक संस्कारी लोहा भी अपने सारे संस्कार भूलकर और दौड़ लगाकर इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक जाएगा। देखी करंट की ताकत, एक करंट ने इसके सारे संस्कार भुला दिए। भाई साहब ये करंट है, बॉडी में जाने पर ऐसे ऐसे तार बजाता है जो अच्छे अच्छों को भरतनाट्यम करा देगा। चलो ये तो मजाक की बात हो गई, इसके पीछे कारण था करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल आता है ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनी क्यों, क्या है इसके और करंट के बीच रिश्ता, ये कैसे पैदा होती है, या फिर यूं कहें कि पैदा ही क्यों होती है तो भी गलत नहीं होगा। अब इसे जानने से पहले ये जान लो कि फिजिक्स के फूफा और हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि इस संसार में किसी भी चलती हुई चीज की लंबाई रुकी हुई चीज के लिए कम हो जाएगी, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यकीन नहीं आ रहा ना, पर मान लो, बिल्कुल मान लो, साबित हो चुका है, मानना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं, अब चुपचाप मान भी लो। मैं भी अपने बचपन में नहीं मानता था, लेकिन जैसे जैसे चीजों की समझ डेवलप हुई और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में आई, उसके बाद दिमाग के धागे ही खुल गए। अब यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि इसी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती है कॉपर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ जी सच यही है। अब सुनो ध्यान से, एक कॉपर के तार के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण वो न्यूट्रल है। इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बात लॉजिकल है और समझ में भी आती है। अब ऐसी स्थिति में एक झुमरू को पकड़कर अगर इस वायर के पास ले जाएं, झुमरू बोले तो पॉजिटिव चार्ज, तो उसको घंटा फर्क पड़ेगा। पड़े भी क्यों, वायर तो न्यूट्रल है और न्यूट्रल वायर के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। पर मान लो एक बैटरी लगाकर वायर के अंदर करंट को चलाया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी, क्योंकि अभी भी वायर में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने पहले थे, बस अब वो रुके होने के बजाय लगा रहे हैं दौड़। लेकिन एम्पियर लॉ ने तो ये बताया था कि चलते हुए चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने वायर के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और जिसकी दिशा को हम थंब रूल से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फोर्स भी लगाएगी, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फोर्स ही लगाएगी। इसका ये भी मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा चार्ज जो चल रहा हो उस पर अपनी वायर में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो अब बारी है अपने झुमरू को चलाने की। लो जी दे दिया हमने धक्का और लग गई उसमें मैग्नेटिक फोर्स और निकल लिया वो साइड में। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन अब टूटेगा दुखों का पहाड़, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब अगर इन सारी हरकतों को हम अपने झुमरू की नजर से देखें तो उसके लिए वो नहीं बल्कि वायर के पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं, यानी बदल गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे अपने कार वाले एग्जांपल से जोड़ो, जैसे कार के अंदर बैठे व्यक्ति के लिए वो आगे नहीं बल्कि रोड के साइड की चीजें पीछे जाती हैं, ठीक वैसे ही झुमरू के लिए भी वो नहीं बल्कि वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे। अब क्योंकि वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज चल ही रहे हैं तो वायर एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनाएगी। लेकिन किंतु परंतु ओम्फो, मेरी बात पे ध्यान दो, अब अपना पॉजिटिव चार्ज चल नहीं रहा है, उसकी नजरों से वो रुका हुआ है और रुका हुआ चार्ज कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायर जितना चाहे मैग्नेटिक फोर्स बना ले, अपने चार्ज को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायर के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फोर्स अपने चार्ज की मैग्नेटिक फोर्स पे ही प्रभाव डाल सकती है, और बिना चार्ज के चले मैग्नेटिक फोर्स तो ना बनने वाली। और क्योंकि अपने चार्ज के पास कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो वायर के द्वारा बनाई जाने वाली मैग्नेटिक फोर्स कोई भी फर्क नहीं डाल सकती। अपने झुमरू की नजरों से उसने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली है और वो अपनी जगह से ना हिलने वाला। पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। सिर्फ नजरिया बदलने से फिजिक्स के नियम कैसे बदल सकते हैं, ये हो क्या रहा है? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलता है कि अपना चार्ज हिलेगा, दूसरा बोलता है नहीं हिलेगा, पर असलियत में तो चार्ज हिल रहा है, पर उसे हिलना नहीं चाहिए क्योंकि ये बात भी फिजिक्स के नियम के हिसाब से सही है। देवा रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे नहीं फिजिक्स जैसे खूबसूरत सब्जेक्ट को गलत तरीके से समझाने वालों को। अब यहाँ पर फिजिक्स के एक ही नियम के दो रूप एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जो एक दूसरे को खत्म करने पर अड़ गए हैं।
लेकिन अगर एक भी गलत हुआ तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म, एकदम फिनिश। घबराओ मत, लंबी लंबी सांसें लो, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा सब कुछ। अब देखो, फोर्स रिलेटिव हो सकती है पर इवेंट रिलेटिव नहीं हो सकते। इसे आप ऐसे समझो, सड़क पर खड़े आदमी के लिए कार एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर जा रही हो, या अंदर बैठे व्यक्ति के लिए रोड पीछे जा रही हो, दोनों ही स्थिति में कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ही पहुंचेगी। मोशन तो रिलेटिव हो सकता है पर इवेंट रिलेटिव नहीं हो सकते। तो अपने चार्ज के नजरिए से फिजिक्स के नियम को कैसे बचाएं? और अब एंट्री होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। हाँ जी, आ गया अपना हीरो, यही बचा सकता है हमें अब। अब देखो, रिलेटिविटी के हिसाब से रेफरेंस फ्रेम बदलने पर कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स रहती हैं, जो कभी नहीं बदलेंगी, और जो चीजें बदलती हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। अब क्योंकि हम अपने चार्ज के फ्रेम से वायर को देख रहे हैं तो लेंथ में बदलाव तो होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये बदलाव सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि असल में होता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये बदलाव कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि देखने वाले के फ्रेम में कितना शिफ्ट हुआ। अब देखो, जब हम वायर के फ्रेम से चार्ज को देखेंगे तो वहाँ हमें चार्ज की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी, और वायर की मैग्नेटिक फोर्स चलते हुए चार्ज की मैग्नेटिक फोर्स को धक्का देकर साइड में धकेल देगी। लेकिन जब हम अपने चार्ज के फ्रेम से देखेंगे तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रुके हुए हैं और पॉजिटिव चार्ज चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हमारे झुमरू के फ्रेम में पॉजिटिव चार्ज के बीच की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, और इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर आप ध्यान से देखो तो एक इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में दो पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, यानी अब वायर न्यूट्रल नहीं है बल्कि उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। यहाँ पर यह भी याद रखना कि पूरे सर्किट में चार्ज की संख्या अभी भी सेम है, वो बदल नहीं सकती, बस उनका अरेंजमेंट या यूं कहूं डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है तो भी गलत नहीं होगा। अब क्योंकि वायर पर नेट पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी, और ये फोर्स देगी अपने चार्ज को धक्का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पर तो धक्का लगा ही सकती है। लो जी, चल पड़ा अपना चार्ज, बाल बाल बच गए फिजिक्स के नियम। अगर आप पूरी कहानी का निचोड़ निकालो तो आप पाओगे कि किसी एक फ्रेम में जो मैग्नेटिक फोर्स है वही दूसरे फ्रेम में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है, यानी मैग्नेटिक फोर्स ही इलेक्ट्रिकल फोर्स है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी तीसरे फ्रेम में इन दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन भी मिल जाए। अब अगर ये बातें फोर्स के बारे में सही है तो ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी सही होनी चाहिए। हाँ जी, अब इन दोनों को एक करने का दम वेक्टर्स में तो नहीं है, लेकिन ये काम टेंसर जरूर कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर्स। मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब ये कहानी स्कूल बुक से बहुत आगे निकल चुकी है। बस आप ये याद रखो कि मैग्नेटिज्म किसी दूसरे फ्रेम में इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, और इसका उल्टा भी सही है। अब आपको पता लग गया होगा कि वायर में बहते हुए करंट से पैदा होने वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से ही आती है। ये था वायर में बहते हुए करंट और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बीच का रिश्ता, और ये रिश्ता बड़ा मजबूत है। इस वीडियो का आइडिया मुझे एक मित्र ने फोन पर बात करते हुए दिया था। हाँ, अक्सर मैं फोन पर भी फिजिक्स की ही बातें करता हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। मुझे फिजिक्स हर जगह दिखाई देती है, चाहे वो मूवी हो या किसी की मैयत। ये कुछ ज्यादा हो गया वैसे। चलो बस हो गया, इतनी थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।